तो भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से खबर है कि भगोड़ा अमृतपाल जो है वो अमृतसर में सरेंडर कर सकता है। वो किसी धार्मिक जगह पर जाकर आज सरेंडर कर पाएगा। सरेंडर को देखते हुए अमृतसर में सख्ती बढ़ा दी गई है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल के दो साथियों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ जारी है। आरोपी की दोनों भगोड़े अमृतपाल के संपर्क में थे और उसकी मदद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों के पास से अमृतपाल से जुड़े कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो बड़ी खबर, भगोड़ा अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। सवाल ये कि क्या वो सरेंडर करेगा, क्योंकि चारों तरफ से गिरफ्तारी की गाज और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच शायद अब भागने को कहीं और जगह रह नहीं गया और इसीलिए वीडियो जारी कर उसने तीन शर्तें भी रखी हैं। आपको बता दें, अमृतपाल ने एक नया वीडियो जारी किया है और जो वीडियो सामने आया है भगोड़ा अमृतपाल उसमें शर्तें भी रख रहा है। देखिए, आपको जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, पिछले 12 दिन से ये फरार था और सवाल यही कि आखिर भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार कब होगा। अमृतपाल को लेकर लगातार पंजाब पुलिस की चुनौती बढ़ती जा रही है। 12 दिन बाद भी पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं और अब पंजाब पुलिस को इनपुट मिला है कि अमृतपाल एक बार फिर से पंजाब वापस आ गया है। उसने पंजाब से निकलकर उत्तराखंड के रास्ते नेपाल जाने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा देने से, एजेंसियों के और पंजाब पुलिस के अलर्ट होने की वजह से वो वापस पंजाब आया है और वो श्री अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं उनके सामने सरेंडर करना चाहता है। उसकी लोकेशन भी ट्रेस हुई, उसको चेस भी किया गया और होशियारपुर में लगातार अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर लगातार अभी भी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी भी अमृतपाल का कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा है। लेकिन जिस तरीके से हलचले हैं, पंजाब पुलिस के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है अमृतपाल की, या वो सरेंडर करने में कामयाब होगा, ये भी एक संभावना बनी हुई है। इस बीच अमृतपाल ने बकायदा एक वीडियो जारी करके सीधे तौर पर पंजाब पुलिस को चुनौती दी है। उसने कहा है कि वाहेगुरु के आशीर्वाद से वो बच निकला है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं पंजाब पुलिस को ये अमृतपाल की चुनौती है। तो देखना होगा किस तरीके से अमृतपाल को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, या वो सरेंडर करने में कामयाब हो पाता है। जलंधर से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, जिस भगोड़े अमृतपाल को पिछले 12 दिनों से लगातार तलाशी उसकी की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, वो वीडियो जारी कर कहता है कि सरेंडर कर दूंगा बशर्ते उसकी मांगे मान ली जाएं। जालंधर से सहयोगी मनोज और अमृतसर से संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहला सवाल तो ये कि आशंका जताई जा रही थी नेपाल का रुख कर चुका है भगोड़ा अमृतपाल, लेकिन जो वीडियो जारी किया है, क्या ये माना जाए कि वो अमृतसर के आसपास है, यहीं कहीं सरेंडर का प्लान बना रहा है वो? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार अमृतपाल पुलिस से लुका छुपी का खेल खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसके इनपुट मिले कि वो पंजाब में है, उसके बाद होशियारपुर में लगातार पुलिस जो है वो तलाशी उसकी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे। गोल्डन टेंपल के बाहर की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। जाहिर तौर पर कल बाकायदा यहां पर पुलिस ने मार्च भी किया था और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर तैनात है। निश्चित तौर पर ये बताया जा रहा है कि अमृतपाल जो है वो अमृतसर आकर सरेंडर कर सकता है। कल जिस तरीके से अमृतपाल ने सूत्रों के हवाले से ये खबर थी कि उसने बाकायदा तीन शर्तें रखी थी कि पहली कि वो उसे सरेंडर दिखाया जाए, दूसरी उसे पंजाब की जेल में रखा जाए और तीसरी उसकी ये शर्त थी कि उसके साथ मारपीट न किया जाए। इसके मद्देनजर न सिर्फ अमृतसर बल्कि पंजाब में तमाम जगहों पर इस वक्त अलर्ट है, चप्पे चप्पे पे पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सके। तो जाहिर तौर पर अमृतपाल को लेकर चौकसी साफ तौर पर बढ़ती जा रही है। स्वर्ण मंदिर के आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जाहिर तौर पर जो भी संदिग्ध लग रहा है उसकी जांच की जा रही है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। वहीं जिस तरीके से अगर अमृतपाल की बात
बात की जाए तो कल उसका जो वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पे ये देखा गया कि कहीं ना कहीं वो चैलेंज तो देखिए अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या सरेंडर करेगा भगोड़ा अमृतपाल। आप हमारे साथ बने रहिएगा और मनोज आप भी इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को अपडेट कर दें कि भगोड़ा अमृतपाल क्या सरेंडर कर सकता है, इससे लेकर उसने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें तीन शर्तें रखी है जो जानकारी अनुज भी हमें दे रहे थे। तो भगोड़े अमृतपाल ने आखिर सरेंडर करने का मन क्यों बनाया? क्या वो भागते भागते थक चुका है या छुपने के लिए अब और बिल नहीं मिल रहा है? पहली शर्त उसकी ये थी कि गिरफ्तारी को सरेंडर दिखाया जाए। देखिए इसमें भी वो किस तरह से खालिस्तानी आतंकी अपने आप को हीरो के तौर पर पेश करना चाहता है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, पंजाब के जेल में रखिए और मारपीट ना करें, ये तमाम बड़ी शर्तें रखी हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, लगता है भागते भागते थक गया या फिर कोई और जगह नहीं मिल रही भगोड़े अमृतपाल को कि अब उसने आखिरकार मन बनाया सरेंडर का, लेकिन वो भी इन शर्तों के साथ जिसमें वो खुद को हीरो दर्शाना चाहता है। जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटजी में चेंज है और अमृतपाल जो पहले पुलिस को लगातार चकमा देकर भाग रहा था, हालांकि अब भी वो भाग रहा है, लेकिन अब उसने रणनीति बनाई है कि गिरफ्तार होने की बजाय सरेंडर कर दिया जाए, क्योंकि लगातार उस पर ये दबाव था और उसके जो शुभचिंतक हैं खासकर उसका चाचा हरजीत सिंह जिसने सरेंडर किया था पंजाब पुलिस के सामने पहले भी, उसकी भी एक ऑडियो क्लिप हुई थी आई थी बाहर जिसमें उसने यही सलाह दी थी अमृतपाल को कि भागने से बदनामी होती है, जो छवि है वो ख़राब हो रही है, इसलिए सरेंडर करने में ही हमारी शान है और शायद चाचा की जो नसीहत है वो अब अमृतपाल के समझ में आ रही है। तो अब ये जानकारी आ रही है कि अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि पंजाब पुलिस उसको गिरफ्तार करे और उसके बाद उसको इस तरह से पंजाब पुलिस प्रेजेंट करे कि उन्होंने ऑपरेशन सफल किया और अमृतपाल सलाखों के पीछे है, तो अपनी छवि सुधारने के चक्कर में वो है। और इसीलिए आप देखिए कितना कैलकुलेटेड रिस्क अमृतपाल ने लिया है, वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब से वो बाहर जा चुका था, हरियाणा में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, दिल्ली में लोकेशन ट्रेस हुई, उसके बाद नेपाल बॉर्डर पर जो सख्ती बढ़ी और वहाँ पर एजेंसियाँ जो चौकस हुई पंजाब पुलिस की, वहाँ पर दबिश हुई, फिर वो पंजाब लौटा है और अब होशियारपुर में जहाँ सर्च ऑपरेशन कल से चल रहा है, अभी भी वो जारी है, वहाँ से वो भागने में कामयाब हुआ है। और सूत्र बता रहे हैं कि एक और कार का इस्तेमाल उसने किया है, सफ़ेद रंग की स्विफ्ट में जो अमृतपाल है उसका जो साथी है। मनोज, हम अपडेट्स लेते रहेंगे। देखिए भगोड़ा अमृतपाल किस तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाते हुए कभी पंजाब के बाहर भागता है, अब वापस उसने शायद पंजाब का रुख कर लिया है, ऐसी जो अटकलें लगाई जा रही हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर वो ये कि होशियारपुर और नवांशहर में हाई अलर्ट पुलिस ने जारी कर दिया है। जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इन जिलों के गांव में पुलिस की भी पैनी नजर है। पंजाब पुलिस को किसी सफेद रंग के कार की तलाश है। करीब 50 गांव में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन गांव की ओर जब अपनी सफेद कार में अमृतपाल ने रुख किया तो पुलिस ने काफी दूर तक उसे चेज करने की कोशिश भी की। मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, एक सफेद रंग की कार वीडियो में देखी जा रही है जिसका पीछा पुलिस ने किया और अब इसी को देखते हुए कई जगहों पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, इससे जुड़ी क्या डेटा या क्या इनपुट पुलिस को मिल पाया? देखिए ये जो बंडाया गांव है होशियारपुर में, जहां एक दिन पहले शाम को 8 बजे पुलिस ने चेज किया था एक इनोवा कार को, सफ़ेद रंग की इनोवा कार थी और इसी बंडाया गांव में इनोवा कार छोड़कर दो शख्स भागे थे। पुलिस को शक है कि अमृतपाल उसका साथी पप्पलप्रीत थे। अब ये जानकारी आ रही है कि वो खेतों से निकल कर एक स्विफ्ट कार में सवार हुए थे, सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार थी और उसके बाद होशियारपुर से ये आसपास कहीं जाकर छुप गए। इसलिए चाहे होशियारपुर हो, नवांशहर हो, जलंधर हो, फगवाड़ा हो, आसपास का जितना भी इलाका है यहाँ पर हाई अलर्ट है, लगातार सड़क पर नज़र रखी जा रही है, जितने भी वाहन हैं आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है, खासकर सफेद रंग की जो स्विफ्ट है वो पुलिस के निशाने पर है। तो और अगर वो कार मिलती है पंजाब पुलिस तो हाई अलर्ट जारी कर चुकी है और नजर बनाए रखेगा मनोज, अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। इस बीच भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है।